गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन जॉइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलो, इसमें किसका उदाहरण है? तो देखो, ये किया आ रहा है। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से वर्गीकरण होता है, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, रचना के आधार पर 3 प्रकार के, ठीक है। अब ये वही 3 प्रकार हैं, जहाँ भी की, जो, सो, ज्योत्यों, जिसका, उसका, ये सब मिल जाए ना, तो वो होता है मिश्र वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय, ये भी याद रखना, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, इसमें बताना है पूर्ण भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ये याद रखो। हेतु मद का यूज किसमें होता है? भूतकाल में होता है, वर्तमान में नहीं होता। पूर्ण मतलब वे आए थे, रहा रही किसमें आता है? रहा रही आता है अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा ये, ठीक है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से छात्र स्कूल गए थे, मतलब गए थे, पूर्ण हो गया काम। संदिग्ध होता तो क्या हो जाता? होगा, होगी, होगा या होगी, ठीक है, ये आता। अपूर्ण भूतकाल में क्या आता? रहा। सामान्य में क्या आता? छात्र स्कूल गए, ठीक है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, विशेषण कौन सा नहीं है? विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। 3 अवस्था होती है, मूल अवस्था, उत्तरा, उत्तमा। और इष्ट के साथ ता प्रत्यय नहीं आता, ठीक है, एक साथ नहीं आते दोनों, ठीक है। इष्ट के साथ तम नहीं आता, ता कह रहा हूँ, तम नहीं आता, और या और ता एक साथ नहीं आते, ये याद रखो। तो देखो, आगामी परीक्षा की विशेषता क्या हो जाएगी? आगामी, शांत माहौल, और काला लड़का, तुम क्या हो जाएगा? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6, संख्या होती है इनकी 11, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, पुल्लिंग कौन सा नहीं है इसमें से? तो देखो, दही, व्याकरण, एकांकी और प्याज, ये 4 लिख लो, ये 4 पुल्लिंग होते हैं, तुरंत लगा दिया। बनावट अच्छी है, छाता अच्छा है, सूर्य अच्छा है, अमरूद अच्छा है, तो कौन सा अलग हो गया? बनावट अच्छी, आंसर आएगा ए। अच्छा, ब्रिज क्या होता है? ब्रिज स्त्रीलिंग में आता है, और बनावट भी क्या? स्त्रीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो प्राण, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, अक्षत, ठीक है, भाग्य, ये सब क्या है? नित्य बहुवचन रहते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, नरी, नदी के पर्यायवाची किस किस को याद है? किसी को याद हो नदी के पर्यायवाची तो बताना। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, बाकी जो बच गए ना 11 होते हैं, वो सब इसमें आएंगे। दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर है ये, और बाकी ये तीनों किसमें आ जाते हैं? संयुक्त स्वर में है, तो ये भी दीर्घ, मगर इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो ये संयुक्त होंगे, पहला वाला दीर्घ माने। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से हो सकता है, ये भी याद रखना, पूछा जाता है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, गाय में कौन सी संख्या है? तो संज्ञा देखो, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञा को भी कितने? 5 प्रकार से बनाया जा सकता, याद रखना। गाय क्या है? जाति है, ठीक है, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया? क्रिया कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 2, सकर्मक, अकर्मक, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, ये भी याद रखना, ठीक है। राम ने राधा से पत्र लिखवाया, खुद न लिख के और किसी से लिखवाया, मतलब खुद काम न करके और किसी से करवाना ही प्रेरणार्थक होती है, ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो इसमें संज्ञा किससे किस में परिवर्तित होती है? गांधी क्या है? व्यक्तिवाचक, तो जाति गया, भाव गया, या तो व्यक्ति व्यक्ति। अब ये राष्ट्रपिता क्या है? भाव है, तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, इसमें कह रहे हैं भारत का पहला लिक्विड मिरर कहाँ पे, टेलीस्कोप कहाँ पे लगाया गया है? तो ये लगाया उत्तराखंड, उत्तराखंड में 2013 में सुनामी आई थी, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया, कल भी क्वेश्चन करा था उसमें पूछा गया। इसी को ही क्या कहते हैं? देवभूमि, ठीक है। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? यहीं पर ही है, ये भी याद रखना, और बस आंसर क्या आ जाएगा? सी। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ, ये याद रखना। और दिल्ली में ही क्या है? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के अंदर ही एक आयरन पिलर लगा हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखना। और इसका निर्माण किसने करवाया था, आप लोगों में से कोई बताना, ठीक है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ कैपिटल, गोमती नदी के किनारे, और लखनऊ को बागों या नवाबों का शहर कहते हैं, याद रखना। मणिपुर, लोकटक लेक, लाई हरोबा याद रख लेना, और केवल लाम जाओ, ये भी याद रखना, और जागोई नृत्य, ये भी यहीं, कुकी, मैकी और मैती, ये जनजाति भी मणिपुर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई मैंने जो चीज़ बताई, आंसर आएगा बी, आंसर आएगा सॉरी सी। अच्छा, इसमें ना किसका यूज़ किया गया? पारे का यूज़ किया गया इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, स्क्रिप नेशनल स्पेलिंग कॉम्पिटिशन होता है, आपने अगर यूट्यूब पर देखा हो तो, उसमें कौन टॉप किए? तो भारतीय मूल की हरिनी लोगन, इन्होंने किया, ठीक है, याद रखना। गीतांजलि श्री, इन्हें क्या मिला था अभी? टॉम्ब ऑफ सेंट, उसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला है, ये भी याद रखना, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अभी देखो, ये कह रहा है कि कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से
नाम पर किसने रखा है, तो ये रखा है दिल्ली में। दिल्ली में गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, इन वंशों का शासन था, ये याद रखना ठीक है। खिलजी का सबसे कम था, तुगलक का सबसे ज़्यादा था, ये दो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं ठीक है। हुमायूं टॉम्ब ये पूछता है कहाँ है, तो ये भी दिल्ली में, ये आगरा की तरह का लाल किला है ना उसी की तरह है, ये याद रखना। गुजरात में याद रखना यूनेस्को साइट है, कौन सी है बताओ, धोलावीरा, और लोथल भी यही है ठीक है, लोथल यूनेस्को साइट नहीं, धोलावीरा, ये याद रखना। ऐसे ही क्या कहते हैं कोटरा किम्बा, ये याद रखना। लद्दाख में हेमिश नेशनल पार्क है जो सबसे बड़ा है, साउथ बटन का है अंडमान निकोबार में जो सबसे छोटा है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पीक कौन सी, सैडल पीक, जो कि नॉर्थ अंडमान पे है ठीक है, याद रखना। और बैरन द्वीप भी है सक्री ज्वालामुखी, आंसर क्या आ जाएगा इसका, दिल्ली। नेक्स्ट, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कारोबार किसने संभाला है, तो सेबी के किसने संभाला, तो देखो अश्विनी भाटिया ये तो है नहीं, संगीता भी नहीं, नीलोफर भी नहीं, नीलोफर किसकी, जम्मू कश्मीर की, वहाँ की जो कुलपति बनी थी यूनिवर्सिटी की पहली महिला, तो ये कौन, रुको, सेबी का पूर्णकालिक सदस्य भार किसने, अश्विनी भाटिया ने संभाला है, किसने, अश्विनी भाटिया, आंसर आएगा सी। अच्छा सेबी याद रखना 1992 में बना था। एक सिडबी पूछा जाता है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, ये 1919 बना था, और ये एक 1982 में नाबार्ड बना था शिवरमन समिति की सिफारिश पे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए जो मैंने बताया आपको, आंसर क्या आएगा इसका, अश्विनी भाटिया ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है भजन सुपारी, भजन सुपारी का निधन हो गया, ये कैसे संतूर से रिलेटेड थे ठीक है, याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा डी। अच्छा कथक याद रखना ठीक है, अपने शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय वो कितनी है नृत्य, शास्त्रीय नृत्य हैं अपने 8, ये याद रखना। और शास्त्रीय भाषा कितनी, 6, और भाषा किस भाग में, अगर आपसे पूछ ले भाषा किस भाग में, तो ये भाग 17 में, 18 में क्या, इमरजेंसी, ये भी याद रखना। और भाग 5 में क्या है, ये है आपका संघ ठीक है, और भाग 6 में है राज्य, ये क्वेश्चन कल पूछा गया था 6 वाला कि राज्य किस में है, तो भाग 6 में आते हैं, आंसर क्या आ जाएगा इसका, संतूर। नेक्स्ट, इसमें क्या है, देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसने, अहमदाबाद में, आंसर आएगा बी, आंसर क्या आ जाएगा बी। अच्छा मद्रास से 5G की टेस्टिंग शुरू हुई थी, IIT मद्रास से, ये याद रख लेना, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, जाति आधारित जनगणना का काम किसने शुरू किया है, तो ये किया है आपके बिहार में ठीक है। अच्छा बिहार में ही महाबोधि टेम्पल है, क्या है, महाबोधि, ये याद रखना ठीक है। और बिहार में ही क्या आपका डॉल्फिन केंद्र पाया जाता है ठीक है, इंडिया का डॉल्फिन केंद्र कहाँ पे है, बिहार में, ये भी याद रख लेना। और बस उड़ीसा से याद रखना नुआखाई उत्सव कहाँ, यहीं पर, कोणार्क सन टेम्पल 10 रुपये के नोट पर, यहीं पर ही है। मध्य प्रदेश से सांची याद रख लेना ठीक है, और यहीं पर क्या है, सांची याद रख लो एक तो, और चंदेल वन से याद रख लो मध्य प्रदेश से, बार बार पूछा जाता है, पाताल पानी जलप्रपात ये पूछा जाता है बार बार। अच्छा विंध्याचल रेंज किस किस को, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग करती है, ये भी याद रखना ठीक है। और राजस्थान से क्या याद रख सकते हो, अभी देखो बाबनमा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी यहीं पर बना है ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। केवलादेव नेशनल पार्क यहीं पर, और शावर लेक यहीं पर ही है ठीक है, ये सब याद रखो। अच्छा सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में, वो भी कहाँ है, राजस्थान में, ये सब याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बिहार। बिहार का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है, महात्मा गांधी रोड ब्रिज, तो वो है महात्मा गांधी ब्रिज ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट है यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा है, क्रोएशिया, क्या होंगे, क्रोएशिया, आंसर आएगा ए ठीक है। अच्छा यूरोपीय यूनियन ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, और नाटो का भी कहाँ है, यही पे ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, अभी कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 137, अंतर 43 है, तो संख्या बताओ, तो देखो अंतर क्या है 43, इन दोनों का अंतर 43 है, नहीं है, इनका अंतर 43 है, इनका भी नहीं, केवल किसका अंतर है, बी का है, ऐसे कर लो। अच्छा वैसे अगर आपको दिक्कत आए तो कैसे करोगे, तो अंतर क्या है 43, तो देखो 43 तो एक को दे दो, तो 137 में 43 गया तो कितना बचा 4, और यहाँ कितना बचा 12 8, 84, तो 42 और दे दो, 42 ऐसे दे दो, 42 ऐसे दे दो, एक संख्या ये आ जाएगी, एक है तीनों तो 5, और 4 4 8, और ये क्या आ जाएगी 42, 5 और 2 7 8 4 12, रुको मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 47 47 आएगा, ये 9 बचेगा, 47 47 आएगा, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, और यहाँ आ जाएगा 47 ठीक है। मतलब पहले जो अंतर दे रखा हो ना, पहले तो उसे एक साइड रख दो, फिर जो बचे उसे आधा आधा बांट दो, आंसर आएगा बी, या डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो जो मैंने पहले तरीका बताया। अब इसमें ये कह रहा है कि सम ऑफ रूट ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, ये सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होता है सी अपॉन ए। अब ये देखो पहले प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट देख लो, सी अपॉन ए, सी आना चाहिए 4, तो यहाँ तो 4 है नहीं, यहाँ भी नहीं,
सी अपॉन ए मतलब कि माइनस चार आना चाहिए, तो यहाँ से सी क्या है माइनस चार, ए क्या है ए, अब यहाँ का रखूँगा ना तो प्लस चार आ जाएगा, तो यहाँ माइनस चार लाना तो ये भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। ठीक है, ये दो तरीके बता दिए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये फॉर्मूले याद रखना। नेक्स्ट ये कह रहा है आयताकार भूमि का परिमाप 96, तो मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई इसका अगर दुगुना कर दिया जाए तो 96 आना चाहिए, तो किसका आ रहा है 30, 40, 50, 100 आ जाएगा, तो 30 और 20, 50 ये भी 100 आ जाएगा, 100 से ज़्यादा आएगा, 30 और 20, 50 ये भी 100, देखो 30, 40, 48, 19, 96 ये आ रहा है बस, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है ये कह रहा है त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखें 3, 4, 5 मतलब 30, 40, 50, तो वही ट्रिपलेट बनना है 30, 40, 50। अब क्या करना है इसका क्षेत्रफल बताना है, तो पहले तो 1/2 30 × 40 ठीक है, तो इससे 20 कटेगा, 3 × 6 600 आ जाएगा डी। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा अगर ये अगर कभी एंगल वगैरह दे दें, एंगल वगैरह दे देना तो वो साइन थीटा और लग जाता है, ये भी याद रखना, कई बार दे देता है। और अगर ये पूछ ले ऐसे डाल के ए बी सी, ये कहे कि बी डी की लंबाई क्या है, तो ये गुणा ये अपॉन ये याद रखना। नेक्स्ट ये कह रहा है बेहतर, देखो ये अगर कभी दे और फिर 8 = 72 अगर बीच में प्लस है तो बड़ा, अगर माइनस होता तो छोटा, 4 × 3 = 12 बीच में माइनस है तो छोटा लूँगा, यहाँ प्लस है तो बड़ा लूँगा, तो 9/3 आंसर क्या आ जाएगा 3 सी। नेक्स्ट अब ये कह रहे हैं कई का अंक क्या होगा, तो 64 1/7 6 का इकाई का अंक 6 रहता है, 56 1/3 6 × 3 = 18 8 × 7 = 56 आंसर क्या आ जाएगा 6 मतलब बी। नेक्स्ट ये कह रहा है इसमें से अलग कौन सा, ये चुन अलग चुनो, तो देखो 2 में 1 का भाग 2 आएगा, 9 में 3 का भाग 2 3 आएगा, 5 में 5 का 1 आएगा, मगर 3 में 4 का भाग जाएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसलिए डी अलग है। नेक्स्ट अब देखो बॉय ईवीएस क्रैक्स डीडब्ल्यू, तो ये सब क्या अपोजिट है, तो डी का अपोजिट क्या है डब्ल्यू, तो ये क्या ये गया। ठीक है, एफ का क्या आएगा फालतू एफ यू, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट अब देखो इसमें क्या किया, 6 × 3 = 9 = 10 = 17 ऐसे ही 4 × 3 = 7 = 8 = 9 = 10 जोड़ दिया बस डायरेक्ट। नेक्स्ट अब देखो कुछ मैंने आपके लिए लूसेंट से निकाले फैक्ट्स जो अच्छे हैं, मेन बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो ये मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये याद रख लो। दूसरा ये याद रख लो अवध की स्थापना किसने की थी, ईरानियों ने। ठीक है, हैदराबाद की तुरानियों ने। ठीक है, ये याद रख लो। अब ये क्वेश्चन आता है कि ईरानी फारस के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, उस समय दिल्ली का सम्राट कौन था, मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह ही कौन है, रंगीला बादशाह, ये भी याद रखो। ठीक है, और नादिर शाह को क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन, इसे मत रखो, चलो कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत आता है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ, 1761 में मराठा और अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें कि कौन, मराठा हार गए थे। ठीक है, ये याद रखो। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सबसे आखिरी अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर दू, ये कहाँ चला गया था, अंग्रेजों ने इसको ना बंदी बना के रंगून भेज दिया था, ये क्वेश्चन भी आता है कहाँ पे भेज दिया था रंगून, आखिरी बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, और बहादुर शाह जफर ने कहाँ लाल किले में क्या बनवाया था, तो हीरा महल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन आता है कि ये वास्को डी गामा कब आया था, तो 1498 में आया था। ठीक है, कालीकट के बंदरगाह पे, ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा आप लोगों ने भी। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि पुर्तगाली वायसराय कौन सा था पहला आने वाला, तो अल्मेडा, अल्मेडा याद रख लेना। ठीक है, अल्फांसो कौन था, पुर्तगाली था। ठीक है, पुर्तगाली वायसराय बना था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है ये छोड़ दो, ये दोनों याद रख लें, पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। अच्छा ये क्वेश्चन आता है, 1600 में जब कंपनी बनी थी तो इंडिया में किसका शासन था, अकबर का, मगर जब ये आए थे तब किसका चल रहा था, जहांगीर का। ये क्वेश्चन अलग अलग हैं दोनों, याद रखना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसने परमिशन दी थी, रानी एलिजाबेथ ने दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखो 1600 में बनी थी, तब अकबर था यहाँ पर, और जब ये लोग यहाँ आ गए थे ना 1608 के समथिंग, लो 1609 में कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, तो जब किसका चल रहा था, जहांगीर का, तो दोनों अलग चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं लोग। अच्छा, समुद्री जहाज का नाम क्या था, रेड ड्रैगन, जिसमें आए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी खोली थी सबसे पहले, ये चलो याद मत रखो, कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं। अब देखो ये याद रखो कि 1615 में टॉमस रो ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, किसने, जेम्स वन, इतना याद रखो। ये पूछा जाता है टॉमस रो किसके दरबार में आया था, जहांगीर के में। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सी राजकुमारी थी जिसका विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स से कर दिया गया था, और दहेज में उन्हें पूरा बम्बई दे दिया गया, तो कैथरीन थी। ठीक है, और जो बम्बई मिला ना उस राजा को, उसने 10 पाउंड, 10 पाउंड की कीमत क्या ही होती है, वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि 10 पाउंड दे दो,
आज के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा कितने का होगा ये, 1000-2000 रुपये में पूरी बम्बई एक साल के लिए किराए पर मिल गई थी, सोच रहे हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये याद रखो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वॉन्डी बॉस में किसकी हार हुई थी, तो इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी अंग्रेजों के द्वारा, 1760 में आया था, हुआ था। अच्छा देखो, 1757 याद रखो प्लासी युद्ध, 1760 याद रखो बॉन्डी बॉस, 1764 याद क्या रखो बताओ, इस समय हुआ था बक्सर की लड़ाई, ठीक है ये याद रखो। नेक्स्ट नेक्स्ट है ये याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तकाबी ऋण क्या होता है, खेती के लिए अग्रिम कर्ज जो मिलता है ना उसे तकाबी कहते हैं, ठीक है ये याद रख लेना। कि भारत, भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा किसको, देखो अली बर्द खां बंगाल का नवाब जब बना ना, तो उस शासन में बंगाल इतना समृद्ध बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। उसका बेटा था, उसका दामाद था सिराजुद्दौला। मेन जो स्टोरी शुरू होती है ना अंग्रेजों की, वो सिराजुद्दौला से शुरू होती है, ठीक है ये याद रखो। प्लासी का युद्ध हो गया 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, कैसे हरा दिया, मीर जाफर जो इसका सेनापति था ना उसने धोखाधड़ी कर दी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं सर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है, मीर कासिम, मीर जाफर को हटा दिया फिर अंग्रेजों ने, मीर जाफर ने बेईमानी करी थी ठीक है सिराजुद्दौला के साथ, मगर इसको भी अंग्रेजों ने धोखा दे दिया, फिर इसके ही दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। नेक्स्ट है ये पूछा जाता है, बंगाल की राजधानियों का क्रम क्या है, तो सबसे पहले ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर, ठीक है ये याद रखो। अब ये बक्सर का युद्ध बहुत पूछा जाता है, 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ, ठीक है मीर जाफर था उस मीर जाफर था ठीक है, किसका, सिराजुद्दौला का सेनापति, इसका ही दामाद कौन था, कासिम, उसको और अंग्रेजों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गई। तो उसमें युद्ध किसने लड़ा था अंग्रेजों की तरफ से, हेक्टर मुनरो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ठीक, ऐसे याद रखो, मेरा मन नहीं है बक्सा उठाने का, तो बक्सर की लड़ाई मुनरो, ठीक है। अब देखो मैसूर से रिलेटेड पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, हैदर अली की मृत्यु कब हुई, तो 1788 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो रहा था तब हुई। टीपू ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, श्रीरंगपट्टनम, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ठीक है। अच्छा, सॉल्ट टैक्स कलेक्टर ड्यूरिंग मौर्य पीरियड में जो सॉल्ट टैक्स कलेक्ट करता ना उसे लावण्य अध्यक्ष कहते हैं, लावण्य मतलब होता है नमक, लबड़ कहते हैं ना। अच्छा देखो, दूसरी जो एंग्लो मैसूर युद्ध हो रहा था इस समय हैदर अली मर गया था, ये किसके टाइम पर हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स ठीक है। कॉर्नवालिस, अब कॉर्नवालिस तृतीय मैसूर युद्ध ठीक है, ये भी याद रख लेना। और चौथे में के टाइम पर कौन मर गया था, ये टीपू सुल्तान मर गया था ठीक है 1799 में, लॉर्ड बेलेजली था इसमें ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट है तीसरा, ये थोड़ा सा याद रख लें, ये तीसरी वाली श्रीरंगपट्टनम की संधि जो ये वाली बता रहा था ना मैं, देखो कॉर्नवालिस इसने श्रीरंगपट्टनम की संधि करी थी, श्रीरंगपट्टनम ही तो वो अपनी उसने राजधानी बना ली थी, ये भी याद रखना। अब सिख और अंग्रेज याद रखो थोड़े, सबसे पहले गुरु नानक थे ठीक है ये याद रखो, ये किसके, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, ये याद रख लो। और जो लंगर की प्रथा या निःशुल्क भोजनालय ना वो गुरु नानक ने शुरू की थी, मगर और इनका जो मृत्यु है वो करतारपुर साहिब खुला था ना वो याद रखो। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, अंगद, इनका नाम क्या था, लेहना, इन्होंने ही इस जो व्यवस्था थी लंगर की उसे स्थायी बना दिया था। और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि लिखी थी, ये भी याद रखो, जो पंजाबी किस में लिखी जाती है, इसी लिपि में लिखी जाती है ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ से याद रखो, गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा था, इसी के बाद ये गुरुपद पैतृक बन गया था रामदास के बाद ठीक है, ये याद रखो। गुरु अर्जुन पांचवें गुरु कहलाए थे ठीक है, गुरु अर्जुन पांचवें, क्योंकि ये रामदास चौथे थे, इन्होंने अपने तीसरे नंबर के बेटे अर्जुन को दे दिया था, ये पांचवें गुरु कहलाए, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पांचवें गुरु कौन थे ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन आता है, गुरु ग्रंथ साहिब में किन किन का संग्रह, तो कबीर, रैदास और नामदेव की रचनाओं का संग्रह मिलता है। और अमृतसर जलासा किसने बनवाया था, हरमिंदर साहब का निर्माण किसने कराया था, अर्जुन ने ठीक है, ये कौन से थे, पांचवें थे ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ये याद रखो, यहाँ छठवें गुरु कौन हुए इनके, हरगोविंद ठीक है, इन्होंने अकाल तख्त जो वहाँ पे ना मंदिर के अंदर अकाल तख्त है उस वो इन्होंने बनवाया ठीक है। नेक्स्ट याद रखो, तेग बहादुर नौवें गुरु थे ठीक है, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण इनका शीश कटवा दिया था गुरुद्वारे में, वो दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा करके ठीक है। आखिरी कौन थे, गुरु गोविंद, इनका जन्म याद रखना कहाँ पे हुआ था, पटना में, ये कई बार पूछा गया। सत्सा पातशाह की इन्होंने उपाधि ली थी, पांच ककार है ना, केस, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये सब इन्हीं ने शुरू किया था ठीक है, ये याद रखो। अब इनके दो बेटे हैं, इनके बार बार नाम पूछा था, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, इनको भी जिंदा चिनवा दिया गया था ठीक है, ये याद रखो। और इन्होंने ही कहा था कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के गुरु की का कार्य करेगी, गुरु का कार्य कौन करेगा, सिख संप्रदाय का, ये गुरुवाणी, ये भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन है,
और इतना ही रखा है। नेक्स्ट बताना कैसा लगा, अगर ये अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।